हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विजय और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीगाबाइट ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं इस वीडियो में आपको बैंक का बैलेंस चेक करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, बैंक का बैलेंस चेक करने के कुछ ही तरीके हैं, जिसमें आप अपने बैंक जाकर, एटीएम जाकर, या फ्रेंड्स अगर आप यूपीआई चलाते हैं तो उसके द्वारा अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बैंक जाने और एटीएम जाने में आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो सकता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पास एक एक्टिव एटीएम कार्ड भी होना चाहिए। कई लोगों के पास एटीएम कार्ड नहीं होता, या होता है तो वो चालू नहीं होता, जिसके कारण वो अपने बैंक का बैलेंस चेक नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जहां पे आपको किसी भी अकाउंट नंबर, पासबुक या एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं होगी। इसके बिना ही आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कर पाएंगे। फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि कैसे चेक करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको सर्च करना है चेक बैंक बैलेंस। चेक बैंक बैलेंस जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको फोर्थ नंबर की जो एप्लीकेशन निकल के आ रही है बैंक बैलेंस चेक, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स, इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैंने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं यहाँ पर इसे ओपन करूँगा। तो देखें कि फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है। ओपन पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स, कुछ प्रकार का इंटरफेस निकल के आएगा, जहां फ्रेंड्स सभी प्रकार की बैंकों की लिस्ट यहां पे आ चुकी है। आपका अकाउंट जिस भी बैंक में हो उसका बैलेंस आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे आप देखें कि सर्च बैंक का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो उसको आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड, मेरा अकाउंट जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में है, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च कर लूँगा। आपका फ्रेंड्स जिस भी बैंक में अकाउंट हो उसे आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड्स, सर्च क्लिक करते ही फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आएगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि इस एप्लीकेशन द्वारा बहुत सी सर्विसें दी जा रही है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आप यहाँ से आपकी बैंक का किस किस सर्विस का लाभ ले पाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैंक का बैलेंस कैसे चेक करना है। फ्रेंड्स, ऊपर सबसे ऊपर चेक बैलेंस का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आएगा। फ्रेंड्स, सबसे ऊपर चेक बैंक बैलेंस का एक वापस से ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी बैंक से जो भी मोबाइल नंबर लिंक हो उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपकी बैंक पे कॉल लगाएगा और कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक मैसेज आएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें कि फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ चुका है। इस मैसेज को मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मैसेज आया है इसके अंदर ये मेरे बैंक का बैलेंस बता रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसे आप अलो करते हैं तो फ्रेंड्स यहीं पे ये आपके बैंक का बैलेंस शो कर देगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप किसी भी बैंक का बैलेंस यहीं से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप अपने बैंक का IFSC कोड चेक करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको IFSC कोड पर टिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ऊपर स्टेट का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आपको आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। नीचे फ्रेंड्स, आपको सिलेक्ट सिटी पे क्लिक करना है और फ्रेंड्स जो भी आपकी सिटी हो उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैंने रतलाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट करना है। तो मैंने फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर सिलेक्ट कर रखा था। उसके बाद फ्रेंड, मैंने जिस भी ब्रांच में मेरा अकाउंट है वो ब्रांच मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद फ्रेंड, नीचे आपको IFSC सर्च पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, देखें कि यहाँ पे उस बैंक का IFSC कोड निकल के आ चुका है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन से IFSC कोड भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, नीचे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उनका लाभ भी इस एप्लीकेशन से ले पाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर फ्रेंड्स आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।